अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी वीडियो का टाइटल है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए हम अपने टाइटल की तरफ बढ़ते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक मालूमात का मजमू आता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं और इसके बदले में हमें एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, किसी भी मखसूस काम के लिए बनाया जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर की इसकी तीन काइंड आ जाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और तीसरे नंबर पे आ जाता है जी पैकेज सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसे कि नाम से जाहिर है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब यही है कि इसके अंदर हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो वो फ्री फायर होता है, एवरीवन जो प्ले स्टोर से इजीली मिल जाते हैं। तो जैसा कि लोग प्ले स्टोर पर मिसाल तौर पर कहीं भी कभी कोई ऐसे सॉफ्टवेयर, कोई ऐसे प्रोग्राम्स भी डायल करता है, सर्च करता है, लेकिन वो उधर नहीं आ रहे होते। उसका मेन मसला यही होता है कि वो सॉफ्टवेयर्स फ्री नहीं होते, उनके लिए हमें परचेजिंग करना पड़ती है। तो वो स्पेशल लोगों के लिए होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आम मार्केट में नहीं मिलते, वो एक मखसूस काम के लिए होते हैं। जैसे कि मेरी एक कंपनी है, तो उसके अंदर मैंने अगर कोई वर्क करना है तो मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह से, बल्कि इस तरह से हो जाए, इस तरह नहीं इस तरह से हो जाए, तो इसके लिए मुझे एक अपना लादा एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जिसके हमें लादा परचेजिंग करना पड़ती है, तो उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर हम मैं मिसाल दूं कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो ऐप्स हमें मिल जाते हैं प्ले स्टोर से इजीली, तो उसको कहते हैं जी ये है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे आ जाते हैं कि जो हमें परचेज कर पड़ते हैं। जैसे कि एडिटिंग के लिए हम कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो वो हमें उसके लिए अच्छी खासी रकम देना पड़ती है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो हमें प्ले स्टोर से इजीली मिल जाते हैं, वो फ्री होते हैं और उनके अंदर फंक्शनैलिटीज वैसी ही होती हैं। और कुछ होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर जो कि एक बिजनेसमैन के लिए होते हैं, तो वो भी आम लोगों के लिए नहीं होते। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि लोगों को बताया जाए कि सॉफ्टवेयर क्या है और इसका मकसद क्या, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है। उसका मतलब दोस्तों यही होता है कि उस मालूमात का मजमूआ होता है जो कि एक मखसूस काम को मुकम्मल करने के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, वो किसी भी लैंग्वेज में भी हो सकती है। तो अगर आपके पास इसके मतलब कोई स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के मतलब कोई स्किल्स हैं, तो ये एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी वाला शोबा है। इसके अंदर आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इसके इसमें तो सबसे पहले ये आ जाता है कि आपकी इसके अंदर अच्छी खासी अर्निंग होती है, आप बहुत जल्द ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं और आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉफ्टवेयर के जरिए जब हल करते हो तो आपको इसके मुतबादल, इसके बदले में आपको अच्छी खासी अर्निंग हासिल हो जाती है। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि लोगों को बताया जाए कि बाद लोगों को उधर से प्ले स्टोर से नहीं मिलते ऐप्स, तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये यार क्या हुआ, तो वो भाई हमको परचेज करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो हमें परचेज भी करना पड़ते हैं और प्ले स्टोर पर भी पड़े होते हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले प्ले स्टोर पर देखें, अगर कोई फ्री मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो फिर हमें परचेज करना चाहिए। तो वीडियो का मकसद यही था कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो कि सॉफ्टवेयर क्या है, ये किस चीज़ का नाम है। ये जैसा कि हम कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो भी भाई एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के दौर के मुताबिक दिन ब दिन ये अपडेट होते जा रहे हैं। पहले विंडो एक्सपी थी, विंडो 7, विंडो 8, ये इसका मतलब क्या है कि पहले फंक्शन और थे, पहले उसके अंदर प्रोग्रामिंग और थी, अब जो विंडो 10 आई, विंडो 11 आई, इसके अंदर प्रोग्रामिंग और है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियो अच्छी चीज देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।